नमस्कार साथियों, जय हिंद। दूसरी वीडियो आपके सामने हाजिर है, पहली वीडियो डाल चुके हैं। तो साथियों, अगर मन करे तो शेर का धुम्मा सठा दियो। इस तरह वीडियो बनाने वाला ना भी कॉन्फिडेंस मिले है, और जिनको जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर से पहला प्रश्न बनता है कि मनुष्य ने जिस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था वो कौन सी थी, वो कॉपर ही थी भाई, ठीक है। नंबर दो है, इसके सोर्स कौन से हैं, दूध है, अनाज है, फल है और मांस इसके सोर्स हैं, ठीक है। और नंबर तीन पॉइंट बनता है कि इसके काम क्या क्या है। इसका नंबर एक काम है कि ये बिजली का सबसे बढ़िया कंडक्टर है, या नंबर दो पे है। नंबर एक पे तो सिल्वर है, सबसे पहले जो बेस्ट कंडक्टर है वो कौन है, सिल्वर है। और नंबर दो पे कौन है, कॉपर है, ठीक है भाई। जो असली इसका यूज है हमारे शरीर के अंदर, जो इसका यूज है वो है, ये आयरन को रीयूज करता। आयरन को कैसे रीयूज करता वो एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये डिब्बा सा जो आपके सामने है, ये बेटा बोन मैरो है। ये पहले से डब्बा बना दिया ताकि टाइम खराब ना हो आपका। तो जो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा जो बोलते हैं, उसके अंदर आपको पता है किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। आप आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो आप कह सकते हो बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है भाई, अस्थि मज्जा के अंदर। बोन मैरो में पिछली वीडियोज में बताया होता गया है, ठीक है। आरबीसी आप जानते हो, अभी इससे भी पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि ईमो प्लस ग्लोबिन से मिलकर क्या बनती है, आरबीसी बनती है, ठीक है जी। अब ईमो का मतलब आप जानते हो आयरन होता है। अब जब शरीर के अंदर आरबीसी ज्यादा होती हैं तो स्टोर हो जाती हैं किसके अंदर, इस स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन क्या है, एक थैली सी है, अब लीवर के पास होती है, और इसके अंदर आरबीसी यानी ब्लड जब ज्यादा हो तो स्टोर हो जाता है, और इसी को ब्लड बैंक बोलते हैं। हमारे शरीर का ये क्या है, ब्लड बैंक है, ठीक है जी। नंबर दो बात ये है, आपको कि आरबीसी ज्यादा होगी तो करेगा क्या, तो वो स्प्लीन को मार देता है, और स्प्लीन के अंदर ही क्या होता है, आरबीसी की डेथ होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको किसी आरबीसी तो मर गई, तो नई आरबीसी कैसे बनेगी, आपको पता है नई आरबीसी बनने के लिए क्या जरूरत है, ईमो हो यानी आयरन होना चाहिए और ग्लोबिन होना चाहिए, और तीसरा कहां होना चाहिए, बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो के अंदर अगर आयरन आ गया और ग्लोबिन आ गया तो क्या बन जाएगा, आरबीसी बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ईमो को और ग्लोबिन को बोन मैरो तक कौन पहुंचाता है, ये कॉपर पहुंचाता है। तो सिंपल सी बात है, आयरन को रीयूज कौन करता है, कॉपर करवाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी साथियों, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है, कॉपर के एलॉय, कॉपर से कौन कौन सी मिश्र धातुएं बनी है, तो एक बात सोचने की है, दो ही बनी है, कौन सी, कॉपर के अंदर अगर जिंक मिला देते तो पीतल बनता है, ब्रास इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद कॉपर के अंदर अगर टीन मिला देते, टीन अगर धातु है, टीन को मिला दोगे तो ब्रोंज यानी कासा बन जाएगा। तो ये था अपना कॉपर, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला हाजिर है हमारे सामने कोबाल्ट। कोबाल्ट का मात्रक है CO, ठीक है ना, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड का भी है भाई। ये CO ही क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो हीमोग्लोबिन का सबसे अच्छा दोस्त है। हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वही क्या है, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर का कारण बनता है, रिवाइज करवा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट के सोर्स क्या है, दूध है, अनाज है, मांस, इनमें लगभग सारी चीज मिलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, दूध को या अनाज को हम संपूर्ण आहार का भी दर्जा देते हैं। अब बात करते हैं कोबाल्ट का असली काम क्या है। विटामिन में मैंने आपको B12 नाम का विटामिन पढ़ाया था, और B12 विटामिन का रासायनिक नाम था साइनोकोबालमिन, और इसी के अंदर ये जो कोबाल है ये सिद्ध करता है कि B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता भाई, कोबाल्ट पाया जाता है। ये कोबाल्ट किसके अंदर पाया जाता है, B12 विटामिन में, और यही B12 विटामिन क्या करता है, आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, ये हमने विटामिन्स में समझा था। तो सीधी सीधी बात ये कह सकते हो, कोबाल्ट भी क्या करता है, आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, ठीक है भाई, लेकिन कैसे करता है वो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कोबाल्ट की अगर कमी होगी तो उसके कारण कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया होता है, यानी एनीमिया मतलब खून की कमी, दिक्कत होगी। सर थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे आयरन की कमी से क्या होगा एनीमिया, अरे मेरे भाई बात सुनो, खून की कमी क्या है, एनीमिया है,
अब आयरन कम होगा तो खून की कमी होगी, पता आरबीसी कम हो जाएगी। अब सोच कर देखो आरबीसी के निर्माण में कौन मदद करता है, बी12। और बी12 कब बनता है, जब कोबाल्ट उसमें होगा, और कोबाल्ट नहीं होगा तो बी12 नहीं तो साइनोकोबालमिन नहीं तो आरबीसी का निर्माण नहीं, और आरबीसी का निर्माण नहीं तो एनीमिया बीमारी हो जाएगी। तो एक दूसरे के साथ लिंक है ये बीमारियां, ये बातें लिंक है, तो रटना नहीं है, बोलना नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे कोबाल्ट का और यूज। एक कोबाल्ट से एक तत्व बनता है कोबाल्ट 60, जो कैंसर के इलाज में यूज होता है। वैसे तो कैंसर के इलाज में रेडोन का भी यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब लेकिन बात करते हैं आज कोबाल्ट के साथ कोबाल्ट 60 की। कोबाल्ट 60 जो है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है उसके अंदर तीन रे बनती हैं। एक रे बनती है अपनी एक्सरे, दूसरी बनती है बीटा रे, और तीसरी बनती है अपनी गामा रे। एक्सरे जो है वो पॉजिटिव होती है, जैसे हीलियम पॉजिटिव है। बीटा रे है वो नेगेटिव है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या है, बीटा रे है, यानी नेगेटिव है। जो गामा रे होती है वो हमारी न्यूट्रल है, उसके अंदर ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना नेगेटिव चार्ज है। यही गामा रे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है, ये सबको भेद सकती है। इसी कारण इसका क्या होता है, कैंसर में इसका प्रयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में। तो दोस्तों एक बार एक कोबाल्ट पढ़ लिया है, यहां तक हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं। अब दो तीन जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आसान से हैं, और इसके साथ मिनरल्स खत्म हो जाएंगे। अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे भाई, ठीक है। यहां तक दोस्तों एक बार नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिए हैं, अब पढ़ते हैं मैक्रो मिनरल्स पढ़ते हैं। माइक्रो मिनरल्स हमने पढ़ लिए हैं, तो मैक्रो मिनरल्स जो उनकी शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत है। सबसे पहले है कैल्शियम और फास्फोरस। आप जानते हो कैल्शियम है तो बचपन से जानते हैं, कैल्शियम किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। और कैल्शियम और फास्फोरस किस में, दूध में, मटन और सीरस। मटन होता है बकरे का मांस, ठीक है भाई, उनमें पाया जाता है। और ये जो दाल है मोटे अनाज है, उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फोरस। दूसरी बात आप जानते हो हड्डी जो है वो कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट से मिलकर बनी है, तो सीधी सी बात है कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बनी है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस किसको मजबूत करता है, बोन यानी हड्डी, और टीथ यानी दांत। दांतों को और हड्डी को मजबूत करने का काम किसका है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का। अब दूसरी बात है हमारी Na और Cl की, सोडियम और क्लोरीन की। अब NaCl सब जानते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है, कहां से मिलता है सोडियम क्लोराइड, ये मिलता है साधारण नमक से, सीधी सी बात, ये तो पिछली वीडियो में बताया था। दूसरी बात ये है Na और Cl किस किस का काम करते हैं, ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं, धोने के लिए जो काम करते हैं, ब्लीच करने के लिए काम लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का हम काम लेते हैं। दूसरी बात फूलों का कलर उड़ाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, Na और Cl का प्रयोग किया जाता है। और एक और मेन चीज है, ये बीपी को भी कंट्रोल करते हैं। देखो आपने देखा होगा हाई बीपी और लो बीपी जो होता है उनको कंट्रोल्ड वे में ही नमक खिलाना होता है, और जो बीपी को क्या करता है, कंट्रोल करता है साथियों। तो उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है, मैग्नीशियम आपको पता है इसका सोर्स क्या है, हरी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और उसी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, अपना मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम करता क्या है, ये ब्लड के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद दोस्तों है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो उसका सबसे बढ़िया स्रोत है अपना ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे सबसे पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो पानी का सबसे शुद्ध रूप भाई साहब आरओ का पानी नहीं है बेटा, वो पानी का सबसे शुद्ध रूप है बरसात का पानी। बरसात का जो पानी है वो पानी का सबसे शुद्ध रूप है बेटा। उसके बाद ये है कि फ्लोरीन का काम क्या है, फ्लोरीन दांतों को प्रोटेक्ट करता है, दांतों के ऊपर एक इनेमल होती है जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज मानी गई दुनिया की, उसको कंट्रोल कौन करता है, ये फ्लोरीन करता है। फ्लोरीन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो डेंटल कैरीज यानी दंत क्षय, दांत खराब होने लगते हैं, या फ्लोरीन ज्यादा हो तो फ्लोरोसिस होता है, और इसी फ्लोरोसिस को क्या बोलते हैं, दांत चितकबरे हो जाते हैं। देखा हुआ कईयों के दांत चितकबरे होते हैं, वो इसी पानी के अंदर क्लोरीन के ज्यादा होने से होते हैं, पानी के अंदर उनकी कमी होती है। दोस्तों ये मिनरल्स की वीडियो थी,
आशा करते हैं पसंद आई होगी, समझ आई होगी। ठीक है दोस्तों, पढ़ो लिखो और टेंशन फ्री होके पढ़ना है। देखो टेंशन ज्यादा लोगे तो टेंशन से कुछ होना जाना तो है नहीं, ऊपर से आप हार्मोन इम्बेलेंस हो जाएंगे, तो ये चीज है, पढ़ो। ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, लव यू ऑल।